जैसे कोई भी ब्राउज़र क्रोम से खोलते हैं, कोई भी ऐप का जैसे खोलते हैं, जैसे यूट्यूब का खोलते हैं, जैसे यहाँ टाइप करते हैं यूट्यूब YouTube, YouTube.com जब लिखते हैं, यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, यहाँ जब YouTube लिखते हैं तो YouTube पे सर्च करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन पे ये देख रहे हैं, जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे YouTube होम पे जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में आ जाते हैं, एप्लीकेशन में डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे आपको फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं हम फेसबुक, FACEBOOK, फेसबुक जब सर्च करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, जब इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे ब्राउज़र में चले जाते हैं, ब्राउज़र से जब खोलते हैं तो सीधे चले जाते हैं हम ऐप पे चले जाते हैं। इसी को हम बारे में बताएंगे कि यहाँ क्रोम में कैसे खोलें। इसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक लिख लेना है, जैसे कि आप फेसबुक इस पर जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये आएगा, इसके बाद इसको क्या करना है, इस पर टैप करके रखना है, इस पर टैप करके रखना है, प्रीवियस पेज दिया हुआ है इस पर, आइए मार्क करके दिखा देते हैं, प्रीवियस पेज जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र में खुलेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं जो तीर का ऊपर तीर का निशान दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल साइज़ में आ जाएगा, यानी आपका क्रोम में खुल जाएगा, ये क्रोम में खुल जाएगा, आप देख सकते हैं क्रोम में खुल जाएगा। इसी तरह से आप यूट्यूब यहाँ पे सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं तो यहाँ यूट्यूब को भी वैसे ही क्रोम में सर्च करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे टैप करके रखेंगे, टैप करने के बाद इसको प्रीवियस पेज वाला ऑप्शन है, इस पर हम टच करेंगे, टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीर का ऊपर निशान जो दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये फुल साइज में हो जाएगा, यानी कि क्रोम ब्राउज़र में खुल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।